ना फालूदा, ना आइसक्रीम, ना मिल्क शेक गर्मियों में ठंडक देने वाली, तुरंत ही दिल और दिमाग को खुश कर देने वाली ये एक ठंडी ठंडी खरबूजे की नई रेसिपी आपको देगी 3-in-1 स्वाद। आजकल मार्केट में भर भर के खरबूजे आ रहे हैं। खरबूजे को मस्क मेलन भी कहते हैं, तो बगैर मस्क मेलन की रेसिपी बनाए कैसे रहा जा सकता है। इस रेसिपी में आपको मिलेगा आइसक्रीम, फालूदा और मिल्क शेक का टेस्ट। तो है ना ये 3-in-1 रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं मस्क मेलन। मैं यहाँ पे एक ही मस्क मेलन का यूज़ करूँगी। अगर मस्क मेलन फीका भी हो तो भी आप इसकी रेसिपी बना सकते हैं। मस्क मेलन को हम बीज से काट लेंगे। अंदर का जो बीज वाला पोर्शन है ना, वो हमें निकाल देना है। दोनों टुकड़ों में से हम अंदर का ये बीज का पोर्शन निकाल देंगे। तुरंत ही निकल जाता है इस तरह से। पल्प को हम स्कूप आउट कर लेंगे, यानी कि चम्मच की मदद से निकाल लेंगे फटाफट से। ये जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है और बच्चे बूढ़े मेहमानों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर ये खरबूजा फीका भी लगे तो भी आपका ये खरबूजा यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम चीनी भी थोड़ी ऐड करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है ये। पल्प को हम ग्राइंडिंग जार में रख कर पीस लेंगे। इसमें पानी डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही ये पीस जाएगा। खरबूजे का जूस बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन में दूध। आप कोई भी दूध का यूज़ कर सकते हैं, कच्चे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही उबला हुआ रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है। इसमें मैं ऐसा इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ जिससे कि इसका स्वाद है वो दुगना हो जाएगा। तो ये है कस्टर्ड वनीला पाउडर। कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। दूध उबल चुका है तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे और दूध को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। दूध को मिक्स करते जाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जो कस्टर्ड पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं उसके लम्स इसमें रह जाएंगे। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चीनी है तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। दूध गर्म है तो चीनी अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। हमने जो पहले ही खरबूजे का जूस तैयार करके रखा है वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तुरंत ही इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, दूध का कलर एकदम ऑरेंज हो जाएगा खरबूजे के कलर के जैसा ही। यहाँ पे हमने वेनिला कस्टर्ड पाउडर डाला है तो इसमें वेनिला का फ्लेवर तो आएगा ही। आप इसमें चाहे तो और भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम खरबूजे का मिल्क शेक बना रहे हैं तो उसका टेस्ट तो आना ही चाहिए। एक्स्ट्रा कोई फ्लेवर डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट हम इसे गर्म करने के लिए रखेंगे। गैस को कर देंगे बंद और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। पहले ही पानी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे मैंने लिए है साबूदाना, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, तो ये अच्छे से अब फूल चुके हैं। साबूदाने को हम अब गर्म पानी में डाल देंगे। थोड़ी ही देर में ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंट होने के बाद हम इसे ठंडा पानी डालते हुए छन्नी में छान लेंगे, जिससे कि ये एकदम अलग अलग हो जाए। मिल्क शेक भी ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। गर्मियों में बहुत ही ठंडक देने वाले ये सब्जा सीड मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही भिगो के रखे थे, तो ये ऐसे फूल चुके हैं। तुरंत ही ये फूल जाते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच इसका भी यूज़ कर रही हूँ। गर्मियों में ये बहुत ही शरीर को अंदर से ठंडक देते हैं और खाने में भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख देंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिए। ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करने के लिए ग्लास में डाल देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे ग्लास में, तो थोड़ा सा कटा हुआ खरबूजा इसमें ऐड करेंगे, कटे हुए पिस्ता भी ऐड कर देंगे और इसे सजा लेंगे। तो एकदम हेल्दी, मज़ेदार और एकदम टेस्टी
खरबूजे का मिल्क शेक बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जय हिंद।